और अभी आपको बताएं कि चीनी हुकूमत के मुशीर बराए कोरोना वायरस डॉक्टर योंग नानशान ने दावा किया है कि आलमी सतह पर जून तक वायरस के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। डॉक्टर योंग ने टीवी इंटरव्यू में बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन में 3,200 से ज्यादा अमवात हुई हैं। हुकूमत ने वबा पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम किए जो ताहाल जारी हैं। डॉक्टर योंग ने कहा कि जो इकदाम किए गए हैं उनमें से सबसे पहले मकामी मुंतकली के केसेस को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद हमें वक्त मिल गया और फिर हमने मुख्तलिफ अहम कदम उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से इकदाम का सिलसिला जारी रहा तो जून के आखिर तक कोरोना के केसेस में इजाफे पर काबू पाए जाने की उम्मीद है। और अगर चीन की बात की जाए तो हम रवा माह के आखिर तक इस वबा के हवाले से अहम मोड़ पर होंगे। डॉक्टर योंग ने बताया कि चीन में दोबारा कोरोना की वबा ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जो अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हें वायरस की कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही। सबसे अहम बात यह है कि नए केसेस मकामी सतह पर मुंतकली के नहीं हैं और न ही उनकी औसत इतनी ज्यादा है जिसमें एंटीबॉडीज खत्म होने पर कोरोना का मरीज दोबारा वायरस से मुतासर हो सकता है।